साउथ इंडस्ट्री की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल खूब ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं, लेकिन इससे पहले भी एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अपने एक फोटो शूट को लेकर खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी हैं। दरअसल काजल अग्रवाल तेलुगु इंडस्ट्री की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं, जहां वो न केवल उनकी खूबसूरती बल्कि अपने डाउन टू अर्थ नेचर के कारण फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती हैं। काजल अग्रवाल ने कई फिल्मों में अभिनय किया और ये साबित किया कि उनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन एक्ट्रेस काजल अग्रवाल एक फोटो शूट के कारण इन दिनों विवादों में फंस चुकी हैं। दरअसल साल 2011 में एक जानी मानी मैगजीन FHM में छपी काजल अग्रवाल की टॉपलेस फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जहां उनके फैंस उनके इस बोल्ड अंदाज को देखकर काफी हैरान हो गए थे। जहां उनकी शादी से पहले एक बार फिर उनकी यही फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शूट के लिए टॉपलेस बिल्कुल भी नहीं हुई थी, लेकिन मैगजीन ने उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की। जी हाँ, दरअसल काजल अग्रवाल ने अपने इस बात पर ये सफाई दी है कि उन्होंने ये सेमी न्यूड फोटो सेशन करवाया नहीं, जहां उन्होंने खुद ही एक मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि उन्होंने मैगजीन के लिए ऐसा कोई फोटो शूट नहीं करवाया था, लेकिन इस तरह से वो शूट नहीं करवा सकती थी और उन्होंने शूटिंग के दौरान एक ब्लैक कलर की ट्यूब पहनी हुई थी। उन्होंने कभी भी टॉपलेस शूटिंग नहीं करवाई। ये फोटोशॉप की गई एक फोटो है। वेल, इन आरोपों के बाद मैगजीन ने काजल पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने इनकी किसी भी फोटो के साथ छेड़छाड़ नहीं की। जहां कुछ वक्त बाद ये मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन काजल अग्रवाल को अपनी इस हरकत की वजह से काफी भला बुरा सुनना पड़ा। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी वेडिंग डेट का ऐलान किया है और बताया है कि शादी कहां और कैसे होगी। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि काजल अग्रवाल ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है, लेकिन अब खुद एक्ट्रेस काजल ने एक पोस्ट लिख कर ये खुशखबरी अपने फैंस को दी है। आपको बता दें कि काजल के होने वाले पति गौतम किचलू एक बिजनेसमैन और इंटीरियर डिजाइनर हैं। साथ ही काजल अग्रवाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 2004 की फिल्म क्यों हो गया ना से बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया, जो कि विवेक ओबेरॉय और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म थी, जिसमें इन्होंने ऐश्वर्या राय की बहन का किरदार निभाया। इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री की ओर अपना रुख किया और तेलुगु इंडस्ट्री की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम किया, जहां काजल अग्रवाल की बड़ी फैन फॉलोइंग है। और साल 2011 में काजल ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम में अजय देवगन के साथ अपना कमबैक किया, जिसके बाद 2013 की फिल्म स्पेशल 26 मूवी वो अक्षय कुमार के साथ दिखाई दी, जहां काजल अग्रवाल की आखिरी हिंदी फिल्म थी दो लफ्जों की कहानी, जिसमें रणदीप हुड्डा मेन लीड रोल में दिखाई दिए थे। और साथ ही काजल संजय गुप्ता की फिल्म मुंबई सागा में फीमेल लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं इंस्टाग्राम की बात करें तो काजल अग्रवाल के लगभग 14.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां वो हाल ही में बैक टू बैक 5 फिल्मों में नजर आने वाली हैं, जिनमें हिंदी और साउथ सिनेमा की फिल्में। वेल, आपको काजल अग्रवाल के होने वाले पति और उनके स्टॉपलेस फोटोशूट के बारे में क्या कहना है? क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी थी? अगर जानकारी नहीं थी तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।